हिमालय को बचाने और लद्दाख की संस्कृति व लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगकुच 26 जनवरी से कड़ाके की ठंड में उपवास पर बैठे। वास्तव में सिर्फ लद्दाख का सवाल नहीं, समूचे हिमालय और पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों को तबाही से बचाने की जरूरत है। उत्तराखंड भी इस संकट के मुहाने पर खड़ा है। जोशीमठ में भूदशाओं से सैकड़ों परिवार बेघर होने के कगार पर हैं। कई इलाकों में मकान दरार ग्रस्त हो चुके हैं। ये बड़े संकट की आहट है। देहरादून, मसूरी और नैनीताल जैसे शहरों में अवैध निर्माण और नदी नालों पर कब्जे की होड़ चरम पर है। जल स्रोतों को गंदे नालों में तब्दील कर दिया है। राज्य बनने के बाद से उत्तराखंड में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की लूट मची है, जबकि दूसरी तरफ आपदाएं और जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामने पर खड़ी है। हिमालय को बचाने के लिए सोनम वांगचुक जी के समर्थन में, क्लाइमेट फास्ट के समर्थन में एक दिवसीय उपवास पर आज माँ अंबिका देवी मंदिर सैनसाई आश्रम में क्लाइमेट फास्ट के समर्थन में बैठ रहा हूँ। हमें समझना होगा, पहाड़ों की चित्कार सुननी होगी और ये जो लूट खसोट मची हुई है उसको रोकना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि जोशीमठ का क्या हाल हुआ है, उसी प्रकार नैनीताल खतरे की जद में है। बागेश्वर से लेकर उत्तरकाशी तक खतरे की जद में है और यही हाल हम देख रहे हैं कि मसूरी का भी हो रहा है। तो ये एक लद्दाख का विषय नहीं है, ये विषय पूरे हिमालय को बचाने का और हिमालय की जो रेंज है उसको बचाने के लिए है। तो आज यहाँ पर बैठ रहा हूँ और आप लोग का समर्थन और सहयोग इसमें मुझे प्रार्थनीय है। धन्यवाद।